जैन आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की समाधि लेने के उपलक्ष्य में रेवा तट पर सर्वधर्म सर्व समाज द्वारा विनयांजलि सभा का आयोजन किया गया। आचार्य जी को याद करते हुए भारतवर्ष में एक ही समय पर 108 विनयांजलि सभाएं आयोजित की गई। श्री विद्यासागर जी महाराज ने समाधि ले ली, जिसके कारण उनके अनुयायियों में शोक है। रविवार को भारतवर्ष में एक ही समय पर श्री विद्यासागर महाराज को 108 विनयांजलि दी गई। समाधि के उपलक्ष्य में देवास जिले के नेमावर के सिद्ध रेवा तट पर सर्वधर्म समाज द्वारा विनयांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें हरदा विधायक आर के दोगने, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष सुरेन जैन, क्षेत्रीय विधायक आशीष शर्मा, नेवावर नगर परिषद अध्यक्ष कृष्ण गोपाल अग्रवाल पहुंचे। सभा में पहुंचे अतिथियों ने आचार्य जी के चित्र के सामने दीप प्रज्वलित किया, जिसके पश्चात विनयांजलि कार्यक्रम शुरू हुआ। मैं भी आचार्य श्री को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और उसके साथ ही वो विद्वता और तप की प्रतिमूर्ति थे। उन्होंने विद्वता और तप के माध्यम से आज मानव रूपी हमारे बीच में आए थे और भगवान के रूप में हमारे बीच चले गए हैं, तो निश्चित है वो जय नहीं है, हम सबके दिल में है, सबकी आत्माओं में है और हम सब याद करते हैं। निश्चित वो आकर हमें आशीर्वाद देते हैं, तो निश्चित ही गुरुदेव को आज याद करते हुए हम सब मिलकर श्रद्धांजलि दे रहे हैं। उनको सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि उन्होंने जो बताए रास्ते उन पर हम चलें और उन्होंने जो प्रकल्प यहाँ बना के गए उनका कार्य करें तो ज़्यादा अच्छा है। आज परम पूज आचार्य गुरु विद्यासागर जी के समाधि मरण के बाद रेवा तट सिद्धोदय सिद्ध क्षेत्र में विनयांजलि का कार्यक्रम रखा गया। मैं इस अवसर पर सिद्धोदय सिद्ध क्षेत्र रेवा तट की तरफ से अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए यही आग्रह करता हूँ कि अहिंसा परमो धर्म के का पालन करें, जीव दया का पालन करें, शांति और प्रेम से हम सब अपने व्यवहार को रखें और ये समाज आगे बढ़ करके अहिंसा के मार्ग पर चल करके समाज में शांति और प्रेम और भाईचारा बढ़े, यही भावना मैं आप सबसे रखता हूँ। आज 25 फरवरी 2024 को पूरे भारतवर्ष में एक साथ एक ही समय पर आचार्य श्री को श्रद्धा सुमन अर्पित करने का ये विनयांजलि कार्यक्रम चल रहा है। इसी क्रम में आज यहाँ सिद्धोदय सिद्ध क्षेत्र नेमावर, जो कि आचार्य श्री की तप स्थली भी रही है और यहाँ पर आचार्य श्री ने तीन चातुर्मास करे हैं, लंबे समय तक शीतकालीन चर्या करी, ऐसे समय जब हम यहाँ आचार्य श्री को आज यहाँ पर भावांजलि देने के लिए उपस्थित हुए हैं, तो आज आचार्य श्री के हमें अपने उपकार बर्बर से हमें याद आते हैं। आचार्य श्री ने हमें इतना पावन क्षेत्र यहाँ पर हमारे लिए तैयार करा के दिया, साथ ही साथ आचार्य श्री के अन्य के जो प्रकल्प जिसमें दयोदय की गौशाला है, प्रतिभा स्थली जिसमें आचार्य श्री की बालिका शिक्षाओं को लेकर जो कल्पना है वो, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में आचार्य श्री के विचार, इसके अलावा जेल में रहने वाले कैदियों के लिए हथकरघा, ऐसे जनमानस के लिए, सामान्य जन के लिए भी जो आचार्य श्री के उपकार हैं, उन सभी उपकारों को, उन सभी आचार्य श्री के हम पे जो आशीर्वाद रहे उन सबको याद करके आज हम सब यहाँ पर भावांजलि अर्पित करने के लिए उपस्थित हुए हैं। आज यहाँ नेमावर जैन समाज के साथ साथ हरदा, खातेगांव, बानापुरा, अजनास, आसपास के सभी, इंदौर, सभी क्षेत्र के लोग यहाँ पर आए हैं और आचार्य श्री के प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित कर रहे हैं। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।